दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र के 6 में से 5 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि झारखंड में भी 4 पोल ने भाजपा सरकार का अनुमान जताया है। आइए देखते हैं अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के नतीजे। आज उपचुनाव भी हुए, 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। उत्तर प्रदेश में कुछ पुलिस पर पथराव की घटनाएं भी देखी गई, एक इंस्पेक्टर ने महिलाओं पर पिस्टल भी तानी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कुछ यूं चुनावी माहौल रहा आज दिन भर का, और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 58% मतदान हुआ। बीड में एक निर्दलीय कैंडिडेट की मौत हो गई, सरद गुट के नेता की पिटाई भी हुई, केस कांड पर भी बयानबाजी देखी गई। इधर झारखंड की भी 38 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। जेएमएम विधायक और भाजपा समर्थकों ने धक्का मुक्की भी की। कल्पना की सीट पर बवाल मचा, शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 67.59% रहा। महाराष्ट्र में भारी भरकम सुरक्षा घेरे के बीच वोट डालने पहुंचे सलमान खान, किंग खान, शाहरुख खान समेत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सपरिवार मतदान किया। तो कुछ यूं चुनावी माहौल रहा, और चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी कर दिए। देखिए, आप महाराष्ट्र में 7 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही है, जबकि झारखंड में भी 4 पोल में भाजपा सरकार की जीत का अनुमान है। ये 6 एजेंसियों का सर्वे आप देख सकते हैं। औसत एवरेज देखा जाए तो 6 एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को 150+ सीटें मिलती दिख रही है, जबकि कुल सीटें 288 हैं, और किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को जीतने के लिए बहुमत चाहिए 145 सीटों का। ठीक है, महाराष्ट्र में कांग्रेस को 122 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों में 13 सीटें ही जा सकती हैं। इधर झारखंड में भी कुल 81 सीटें हैं, और किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को जीत के लिए 41 सीटें चाहिए। इसमें से भाजपा को 45 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस को 32 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही है। ये तो सभी सर्वे एजेंसियों का ऑन एवरेज औसत हो गया। अब अलग अलग राज्यों और सर्वे एजेंसियों के हिसाब से देखिए एग्जिट पोल के नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें सबसे पहले तो 288 कुल सीटें, बहुमत के लिए 145 चाहिए। अब देखिए, न्यूज 18 मैट्रिक सर्वे के मुताबिक महायुति गठबंधन जिसमें बीजेपी शिवसेना शामिल है, इनको 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जिसमें कांग्रेस और शिवसेना की दूसरी पार्टियां ये शामिल हैं, इनको 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। PMRQ सर्वे के मुताबिक बीजेपी महायुति गठबंधन को 137 से 150 सीटें मिल सकती हैं, 157। इधर कांग्रेस को 126 से 146 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे ही न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक भी 150 से 160, पीपुल्स प्लस के मुताबिक 175 से 195 सीटें बीजेपी महायुति गठबंधन को मिल सकती हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो ऑल ओवर सभी एजेंसियों सर्वे के मुताबिक सिर्फ इलेक्टोरल एज के अनुसार कांग्रेस जीतती दिख रही है महाराष्ट्र में, बल्कि ज्यादातर सर्वे में बीजेपी महायुति गठबंधन की जीत दिख रही है। अन्य राजनीतिक पार्टियों के खातों में तो बहुत ही कम सीटें जा रही हैं। ठीक है, अब बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। कुल 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 चाहिए, और इसमें भी न्यूज 18 सर्वे के मुताबिक 42 से 47 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। पीपुल्स प्लस सर्वे के मुताबिक 44 से 53 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, और जेवीसी सर्वे के मुताबिक भी 40 से 44 सीटें इनको मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 25 से 30 और 40 सीटें अधिकतम मिलती दिख रही है, जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियां शामिल हैं। ठीक है, और दोस्तों, एग्जिट पोल से पहले जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए थे उनके भी नतीजे आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको बता दूं, एग्जिट पोल तो चुनाव मतदान कंप्लीट होने के बाद आते हैं, जबकि ओपिनियन पोल चुनाव मतदान होने से पहले जारी किए जाते हैं। है दोनों ही सर्वे ही। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक भी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में 150 से लगभग 145 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के नतीजे तो काफी हद तक मैच कर रहे हैं। ऐसे ही आप झारखंड विधानसभा चुनाव के भी ओपिनियन पोल के नतीजे देख सकते हैं, इनमें भी एनडीए गठबंधन की ही जीत होती दिख रही है। वैसे कई बार चुनाव होने के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो गलत साबित होते हैं, और चुनाव के रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होते हैं, जैसा कि हमने इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखा था, है ना। तो इस पर सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि इस बार सही बताना किसे वोट दिया, पिछली बार बहुत रुलाया तुमने, वोटर से एग्जिट पोल एजेंसियां ये कहती हुई दिख रही है। कुछ और मीम्स देखिए, एग्जिट पोल वालों ने ज्यादा हवा भर दी है, रिजल्ट वाले दिन नीचे आएंगे। पिछले कुछ सालों के डेटा देखें दोस्तों, तो 2019 में 7 में से सिर्फ 1 एग्जिट पोल ही सही साबित हुआ, जबकि 2014 में 4 में से 3 एग्जिट पोल सही थे। 2009 में 2 के 2 एग्जिट पोल दोनों सही साबित हुए। तो मतलब 10-15 सालों पहले के चुनाव में तो एग्जिट पोल सही साबित होते थे, लेकिन जैसे जैसे अभी 2024 के नजदीक आ रहे हैं, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं गलत साबित होते दिख रहे हैं। खैर, देखना ये होगा दोस्तों कि अभी जो ये महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के लिए जो एग्जिट पोल हमने देखे, जिनमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स के सर्वे एजेंसियों में भाजपा की जीत होती दिख रही है, महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं लगभग 150 से 160 सीटें महाराष्ट्र में भाजपा को मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 110 से 120 30 सीटें ही मिलती दिख रही है। ऐसे ही झारखंड के एग्जिट पोल सर्वे भी मैंने आपको बताया, इसमें भी ज्यादातर सर्वे एजेंसियों में भाजपा जीतती दिख रही है, जामुमो को कम सीटें मिलती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि ये एग्जिट पोल नतीजे कितने सही साबित होते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा ही जीत हासिल करती दिख रही है, ये देख सकते हैं आप। अभी दोस्तों, आपके हिसाब से इन तीनों राज्यों में किस राजनीतिक पार्टी की जीत हो सकती है, आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा।
जरूर। देखिए अपन भी एक कमेंट में सर्वे करते हैं, देखें कितने लोगों के अनुमान सही साबित होते हैं, कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।